परीक्षा पे चर्चा मोदी जी के साथ। आपने मोदी जी के कार्यक्रम से क्या क्या सीख प्राप्त की है? सर, हमें ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुनाए गए परीक्षा पे चर्चा से हमें ये पता चला है कि हमें मतलब रात में ज़रूरी नहीं है पढ़ना, सुबह भी पढ़ सकते हैं। पर मोदी जी का कहना है कि मैं रात में बिजी रहता हूँ इसलिए सुबह उठकर वो काम करते हैं, ज़्यादा सुबह जल्दी उठ जाते हैं इसलिए मैं भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ती हूँ। मुझे इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मोदी जी के कार्यक्रम से आपके क्या अनुभव रहे? मोदी परीक्षा पे चर्चा 2020 के मोदी जी के इस कार्यक्रम से हमें यहाँ सीखने को मिला कि हम जब भी अपनी परीक्षा के लिए मतलब पेपर के लिए जाते हैं तो हमें कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। अगर हम नर्वस होंगे तो उस टाइम पर मेरे साथ तो अधिकतर यही होता है कि जब भी मैं अगर नर्वस होती हूँ तो मैं उस क्वेश्चन को भूल जाती हूँ। इसलिए मेरा सभी से कहना ये है कि अपना आत्मविश्वास कम ना करें उस टाइम पर। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम को देखने के लिए सारे के सारे बच्चे यहाँ पर एकत्र हुए और उनके द्वारा अपने प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों को न केवल साझा किया गया बल्कि उसे आगे अपने जीवन में आत्मसात करने का भी संकल्प लिया गया। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के द्वारा भी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा गया कि मोड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस समय तो बिल्कुल नहीं जिस समय आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। आपने मोदी जी के कार्यक्रम से क्या सीखा, क्या जाना? सर, ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम था उस पर जो मतलब स्टूडेंट्स ने बोला क्वेश्चंस, उन्होंने जो जो बोले उसमें से एक क्वेश्चन मेरा भी सेम वही था कि हम अपने जो कैरियर है उसके लिए क्या मतलब कैसी तैयारी कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने जो बोला वही उन्होंने करेक्ट हमको अपना डिसीज़न बताया कि कैसी राय होनी चाहिए हमारी, कैसी सोच होनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब कम परसेंटेज कर जिसकी कम परसेंटेज हो वो बच्चा ही कैरियर ना बना पाए, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे की कैरियर बने। अगर उसमें एबिलिटी है तो हाँ हो सकता है कि जिसकी 59 है या फिर 74 है वो कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 99 वाला बच्चा अपनी उसके पास वो चीज़ करने की एबिलिटी नहीं है तो क्या पता नहीं कर सके वो।